किंग कोबरा जिसे सांपों की दुनिया का राजा भी माना जाता है, और ब्लैक माम्बा जो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है। और दोस्तों जब इन दोनों की बात होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों की अगर लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इन दोनों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जानेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि अगर इन दोनों की टक्कर यानी इन दोनों की लड़ाई होती है किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में किंग कोबरा जिसे सांपों की दुनिया का राजा कहा जाता है और ब्लैक माम्बा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है, और ये खतरनाक सांप इतना सक्षम होता है कि दूसरे जहरीले सांपों को भी आसानी से खा सके। और दोस्तों जब इसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो ये अपने ही जैसे सांपों को खा जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक माम्बा इतना गुस्सैल और ख़तरनाक सांप होता है कि जब भी इसे खतरा महसूस होता है ये अपने दुश्मन को काट काट कर उसे मौत की घाट उतार सकता है। और ब्लैक माम्बा की यही खासियत होती है, ये तो अपने दुश्मन को एक बार नहीं काटता, खतरा महसूस होने पे ये अपने दुश्मन को 10 से 14 बार काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम इन दोनों के साइज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। एक किंग कोबरा का औसतन लंबाई 18 से 20 फीट तक की होती है, और इसका नॉर्मल वज़न यानी एक एवरेज किंग कोबरा का वज़न 6 किलो तक का होता है, लेकिन आज तक के रिकॉर्डेड सबसे भारी किंग कोबरा का वज़न था 15 किलो, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक माम्बा की लंबाई 6 से 12 फीट तक की होती है, और इसका वज़न 1.5 से 2 किलो का होता है। इसे साफ पता चलता है कि लंबाई और वज़न के मामले में किंग कोबरा इससे ज़्यादा आगे निकल जाता है। और दोस्तों बात करें अगर हम इनकी स्पीड की तो ब्लैक माम्बा किंग कोबरा से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि ब्लैक माम्बा को दुनिया का सबसे फुर्तीला सांप माना जाता है। एक ब्लैक माम्बा ज़रूरत के समय में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से रेंग सकते हैं। और वहीं बात करें किंग कोबरा की तो किंग कोबरा ज़रूरत के समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से रेंग सकते हैं। सो दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस बनाते रहें। और हम बात करें इनके लिविंग जोन की तो खतरनाक किंग कोबरा भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और बाकी एशियाई देशों में पाए जाते हैं। और वहीं बात करें ब्लैक माम्बा की तो वो ऑलमोस्ट पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और दोस्तों बात करें इनके जहर की तो ब्लैक माम्बा जहर के मामले में किंग कोबरा से थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसका जहर किंग कोबरा के जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी जहर का 2 बूंदी किसी इंसान को मौत घाट उतारने के लिए काफ़ी होता है, और ये एक बाइट में 400 मिलीग्राम जहर अपने दुश्मन के शरीर में उतार देता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी आधे घंटे में मौत पक्की है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मौत इसी सांप के काटने की वजह से होती हैं। और दोस्तों वहीं हम बात करें किंग कोबरा की तो किंग कोबरा का जहर उतना ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन किंग कोबरा एक बार में इतना जहर निकाल देता है कि उससे एक हाथी की मौत आसानी से हो जाए। और दोस्तों किंग कोबरा का सिर्फ 600 मिलीग्राम जहर ही 20 से 40 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी होता है। और दोस्तों बात करें इन दोनों सांपों द्वारा मारे गए इंसानों की तो किंग कोबरा के द्वारा हर साल पूरे विश्व में 35,000 लोगों की जान जाती है, और ब्लैक माम्बा की बात करें तो ब्लैक माम्बा की वजह से हर साल 25,000 लोगों की जान जाती है। तो दोस्तों ये थी किंग कोबरा और ब्लैक माम्बा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे किसी अगली एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।